तो ये है सुबह का टाइम और घड़ी में अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा धो के पूजा वूजा कर रही हूँ। और अब चलिए मैं दिखाती हूँ किचन में क्या खाना बना रही हूँ। तो नाश्ता मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि नाश्ता मैं भी नहीं करती हूँ और आशीष भी नहीं करते हैं, तो मैं डायरेक्ट खाना ही बना देती हूँ। और कपड़े भी धुलने के लिए दे दिए थे, वो भी हो गए हैं, तो वो जाके छत पे देना है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ और उसके बाद जल्दी से बनाना है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है और उसके बाद फिर मुझे क्लास के लिए भी जाना है। तो चलिए बनी रहिएगा ब्लॉग में, आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो इधर बन रहा है दाल, इधर मैं दाल चढ़ाती हूँ और इसमें अभी मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसका जो वाइट वाइट वाला आता है तो मैं उसे झाग बोलते हैं उसे निकाल दूँगी पहले, और उसके बाद फिर इसमें नमक हल्दी ऐड करके तब इसमें ढक्कन लगाऊंगी। और इधर एक तरफ बीन्स का भुजिया बना रही हूँ, थोड़ा सा पहले इसका कच्चा बन जाएगा तब इसमें मैं नमक हल्दी और टमाटर ऐड करूँगी और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर और कोई मसाला नहीं दूँगी क्योंकि आज भुजिया बनाऊँगी। और उसके बाद चाय तो हम लोग सुबह में पी लिए थे, तो इधर आटा निकाल दूँगी उसे मिलाने के लिए। तब तक जब तक इधर ये सब चढ़ा हुआ है तब तक आटा भी मिल जाएगा। इधर ही कुछ बर्तन है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये वाला जो पन्नी रहता है इसमें मैं सूखा वाला रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे सूखा और गीला दोनों अलग अलग करके दिया जाता है, इसलिए मैं पन्नी में सूखा वाला रखती हूँ। बाकी गीला वाला जो होता है वो इस डस्टबिन में डाल देती हूँ तो सही रहता है। तो चलिए जल्दी से बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कपड़ा भी देना है छत पर, तो चलिए बाहर। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट भी हो गया है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ से जाती हूँ और कहाँ जाती हूँ, ये अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि जब मुझे लाइक आएगा अच्छा और कमेंट सब आएगा तब फिर मैं बताऊँगी मैं क्लास करने कहाँ जाती हूँ। तो अभी चलिए दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ से जाती हूँ। मुझे जाने में आधा पौने घंटा लग जाता है, चलिए लेट हो गया, जल्दी जल्दी चलती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। और इधर मौसम अभी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हवा बह रहा है और जब मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा और व्यूज अच्छे आने लगेंगे तो मैं बताऊँगी मैं कहाँ जाती हूँ। वैसे अभी मैं लेट हो गई हूँ तो जल्दी जल्दी चलती हूँ वरना और लेट हो जाऊँगी क्लास के लिए। वैसे मैं सबसे पहले कहाँ जाती हूँ क्योंकि नाश्ता लेट हो गया, चलिए जल्दी। तो मैं बस स्टॉप पहुंच गई हूं और वहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए भी हैं लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, मतलब कोई बस आया नहीं है, तो देखती हूं कितना टाइम में आता है। वैसे आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है तो मैं बस स्टॉप आ गई हूं लेकिन अभी तक यहां पे बस नहीं आया है। जिस दिन लेट होता है उस दिन और ज़्यादा लेट होने लगता है, देखती हूँ कितना देर में आता है बस। वैसे आता है तो रुकता नहीं है ज़्यादा देर के लिए, एक मिनट भी नहीं रुकता, 30-40 सेकेंड रुकता है और उसमें जल्दी जल्दी चढ़ना रहता है, इसलिए देखती हूँ बस आ रहा है। तो चलिए बस पर चढ़ जाती हूँ फिर आप लोगों से। तो यहाँ मैं बस में बैठ गई हूँ और टिकट भी कटवा ली हूँ। तो कर्नाटका में वैसे वुमेंस के लिए फ्री है, गर्ल्स के लिए फ्री है, लेकिन मैं अदर स्टेट की हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ता है। चलिए वहाँ पहुँच के आप लोगों से। ये शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ, शाम का नहीं मतलब रात हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आई उसके बाद फिर शाम दी और उसके बाद पहले आती हूँ तो शाम देती हूँ क्योंकि शाम हो जाता है, और उसके बाद पानी पीती हूँ, फिर चाय बना के पीती हूँ, फ्रेश होने के बाद देन नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ क्योंकि भूख मुझे बहुत जोर के लग जाता है। और आशीष का भी वर्क फ्रॉम मतलब अभी घर से, उनका सप्ताह में 2 दिन है ऑफिस और 3 दिन वर्क फ्रॉम होम ही है, तो इसलिए मैं बाहर में नहीं खाती हूँ क्योंकि ये भी मैं वेट करते रहते हैं। तो चलिए आज मैं वैसे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज बस से आने में बहुत टाइम लग गया था, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किचन में क्या बना रही हूँ। मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाने के बाद जाऊँगी छत पे से, कपड़ा भी नहीं लाई हूँ तो कपड़ा ले आऊँगी। तो मैं इधर मैगी चढ़ा दी हूँ और इसमें सब कुछ ऐड कर दी हूँ और ये बस अब
होने वाला है। और ये आटा नूडल्स है, ये मैदा वाला नहीं है, तो मैं ज़्यादातर आटा नूडल्स ही ला के घर में रखती हूँ, क्योंकि मैगी हम लोग को बहुत पसंद है, और मटर सब डाल के और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज मैं नॉन स्टिक वाला कढ़ाई में नहीं, इसी कढ़ाई में चढ़ा दी, तो ये नीचे से जो है लगने लगा था। नॉन स्टिक वाला भी कढ़ाई है मेरे पास, लेकिन वो ये बाहर में रहता है तो इसी में बना लेती हूँ, वरना उसमें चिपकता नहीं है तो अच्छा होता है। तो चलिए ये बन जाता है, और उसके बाद भूख भी लगा है बहुत ज़ोर से, तो खा लेती हूँ। और खाना भी बनाना है तो देखती हूँ खाना में क्या बनाना है। और इधर करियंडर लीव्स को मैं कट कर ली हूँ, तो इसे मैं बाद में ऐड करूँगी जब ये हो जाएगा। तो अब हो ही गया है, बस 2-3 मिनट में इसे बंद कर दूँगी और ऊपर से करियंडर लीव्स डाल दूँगी। तो इधर मेरा मैगी बन के रेडी हो गया है, और एक अपने लिए और एक आशीष के लिए निकाल दी हूँ। और मुझे इसमें कोई भी सॉस वॉस डाल के अच्छा नहीं लगता है ऐड करके इसके ऊपर खाने में, तो मैं ऐसे ही प्लेन खाती हूँ। और आशीष से पूछ लेती हूँ वो क्या लेंगे, वैसे वो भी सॉस नहीं लेते मैगी में। तो चलिए जल्दी से खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों का कितना सारा कपड़ा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक 2 तार भरा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसे उठा लेती हूँ और उसके बाद ले जाती हूँ। और छत पे बहुत ही अच्छा हवा बह रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है छत पे, इतना ठंडा ठंडा मस्त हवा बह रहा है। और इधर ये भी आए हैं मेरे साथ। तो छत पर से मैं आ गई हूँ कपड़ा सब लेकर के। आप लोगों को मैंने दिखाया बहुत सारा कपड़ा था, क्योंकि मैं 3 दिन 4 दिन जमा हो जाता है, देन मशीन में वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद ले आती हूँ ऊपर में, क्योंकि एक ही फ्लोर चढ़ना पड़ता है मुझे छत पे जाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ सारा को तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी मेरा कुछ दिन में क्लास भी है और उसके बाद मुझे खाना में देखना है क्या करना है। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।